हेलो पीपल, इट्स मी शांत। थैंक सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टुडे फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आदिपुरुष। आदिपुरुष के कई सारे ट्रेलर्स वीडियोस वगैरह आए थे और मैं किसी भी वीडियो नहीं बना पाया था। जो सबसे पहला उसका टीजर ट्रेलर आया था वो मैंने ऐसे ही चलते चलते लाइक फेसबुक पे या कहीं देख लिया था एंड इट वॉज यू नो नॉट गुड, क्योंकि उसको बहुत बैशिंग मिली थी CGI, बैड CGI के लिए। एंड ट्रूली उसका CGI बहुत ख़राब था उस टाइम पे। देन उसका एक और ट्रेलर वगैरह आया था, तब उस टाइम पे यू नो आई वाज नॉट वेल एंड माय सिस्टम वाज नॉट वर्किंग, ग्राफिक कार्ड का इशू हो गया था। एज आई पोस्टेड ऑन यूट्यूब कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था अबाउट द इशू दैट आई वाज फेसिंग विद माय कंप्यूटर। तब मैं आदिपुरुष या मैं किसी भी उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट फाइनली आज ही आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर आया है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रामायणा, जैसे हम सब जानते हैं, प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान। सो लेट्स सी, ऑब्वियसली वी ऑल नो रामायणा। मेरी फेवरेट जो रामायणा का यू नो थ्रेटिकल वर्जन है वो एक जापनीज प्रोड्यूसर में, प्रोडक्शन कंपनी में नाम भूल रहा हूँ उनका, बट वो बेसिकली एनिमे बनाते हैं। उन्होंने रामायणा का एक वर्जन बनाया था विच वॉज कॉल्ड रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जिसमें एक्टर्स ने हिंस का जो हिंदी वर्जन था उसमें एक्टर्स ने यू नो अपनी वॉइसेस दी थी। मैं सबके एक्टर्स के नाम तो नहीं ध्यान है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है दैट रावण वॉज वॉइस बाय मिस्टर अमरीश पुरी, विच वॉज आइकॉनिक मैन। अगर आप लोगों ने वो यू नो एनिमेटेड, वो एनिमेटेड मूवी थी, अगर वो नहीं देखी आप लोगों ने, सो प्लीज़ वॉच रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, दैट्स माई फेवरेट, इट्स एपिक रियली। सो चलिए देखते हैं आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। सैफ अली खान इज गोइंग टू प्ले रावण, कृति सैनन इज गोइंग टू प्ले सीता एंड ऑब्वियसली प्रभास इज गोइंग टू प्ले श्री राम। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। आदिपुरुष ऑफिशियल फाइनल ट्रेलर, हियर वी गो। Is that शरद केलकर voice? शरद केलकर की आवाज है क्या? या प्रभास की मुख्य आवाज है? थोड़ा कंफ्यूज। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे? ये शरद केलकर की लग रही है, बट जो ये आवाज बहुत आगे बढ़ो। और वो सनी सिंह इज प्लेइंग लक्ष्मण, विजय का भगवा ध्वज। मेरे साथ चलिए माँ। उनकी चौखट से ले आया था मुझे जानकी, उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे और वो आएंगे। सच राघव, आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हो। एक दशा में 10 राघव बन पाई है। आप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। ओके, 16 जून, मुझे ऐसा लग रहा है जो फाइनल बैटल होगी ना वो बहुत एपिक होने वाली है, ठीक है, वो बहुत मजा आएगा देखने में। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट व्यूज जो है, CGI स्टिल डजंट लुक दैट गुड। इट इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट, जो हमें स्टार्टिंग में लगा था उससे बहुत भयंकर इंप्रूवमेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इट्स स्टिल नॉट अप टू दैट लेवल। आई मीन प्रभास है मूवी में यार, इट्स लाइक एंड इट्स बेस्ड ऑन रामायणा, तो ये तो टॉप नॉच का CGI होना चाहिए।
जो बैकग्राउंड में सीजीआई है, वीएफएक्स है, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो चीजें फोकस में नहीं है, दे लुक्स गुड टू बी ऑनेस्ट, वो ठीक लग रही है. लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, जैसे जो वानर सेना दिखाई उसमें एक फेस का क्लोजअप दिखाया था, इट लुक्स रियली फेक. जैसे एक वो एक 3D इफेक्ट देने की कोशिश करी थी, इसमें हनुमान जी ऐसे स्क्रीन के पास एकदम उड़ते हुए गए थे, दैट वॉज लुकिंग रियली फेक. अभी जो एक सीन था जिसमें प्रभास ने वो ऐसे एकदम तीर लगाया था, वो हाथ और तीर की जो क्वालिटी है वो इतनी मिसमैच है कि वो साफ, इट्स स्क्रीमिंग दैट इट्स फेक. तो ये जो छोटी छोटी बारीकी है ना, ये बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है एक मूवी को, एक एनिमेटेड या जिसमें बहुत सीजीआई का बहुत ज्यादा यूज है, उसे अच्छा दिखाने में. तो ये मुझे थोड़ा सा सीजीआई अभी भी, आई एम नॉट टू हैप्पी विद द सीजीआई टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ऑब्वियसली यू गाइस कैन डिफर विद माय ओपिनियन. हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही अमेजिंग सीजीआई लग रहा हो सकता है कुछ लोगों को जितना मैंने बोला है उससे भी खराब लग रहा हो सकता है कुछ लोगों को अवतार द वे ऑफ वाटर के लेवल का लग रहा हो. तो दैट इज लाइक टोटली अप टू यू, अप टू इंडिविजुअल्स ओपिनियन. आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन एंड आई थिंक दैट दिस कैन स्टिल बी अ लॉट बेटर. जहां तक रही सीजी मतलब ओवरऑल अगर जनरलाइज्ड वे में मैं अगर सीजीआई वीएफएक्स की बात करूं, तो जो हमारा बॉलीवुड है ना वो अभी भी काफी पीछे है. देर इज अ लॉट टू कवर व्हेन इट कम्स टू सीजीआई वीएफएक्स. आई मीन अभी अवतार वे ऑफ वाटर में जिस तरीके का सीजीआई वीएफएक्स यूज हुआ था, व्हाट द हेल वाज दैट? आई मीन इट वाज सो रियलिस्टिक कि क्या बोलूं. सो बॉलीवुड हैज अ लॉट टू डू इन ऑर्डर टू कैच अप. सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर एवरी नाउ एंड देन. एंड आई एम श्योर दैट अभी मैंने रिसेंटली भेड़िया मूवी देखी थी, उसमें भी जो सीजीआई था वो काफी बेटर था, काफी अच्छा था. इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, इट लुक बेटर देन दिस. जो अभी यहाँ पे जिस तरीके का सीजीआई दिख रहा है, भेड़िया मूवी का सीजीआई उससे बेटर था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अगर सीजीआई को हम थोड़ा सा इग्नोर करें, तो स्टोरी तो बहुत आइकॉनिक है ही, वो हम सब जानते ही हैं. कोई बहुत ही कोई गड्ढे के अंदर घुसा हुआ इंसान होगा जिसे रामायण की स्टोरी नहीं पता होगी, एवरीवन नोज इट. सो ऑब्वियसली आई स्टोरी तो बहुत आइकॉनिक है, उसका अलग तरीके का इटरेशन. और जो एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन दिखाया है ना, जैसे वो भिक्षक का भेष बदल के वो भिक्षा लेने आया है रावण, एंड जिस तरीके से वो उनको सीता को किडनैप कर रहा है, तो वो वो जो जिस जिस क्या बोलते हैं बास्केट टाइप, जिसमें वो उनसे भिक्षा ले रहा है, उसके उसमें से इसी टेंटिकल्स निकल के उन्हें वो ले जा रहे हैं साथ में. तो ये एक ना छोटी छोटी जो जो मॉडर्नाइज्ड वर्जन इस तरीके से दिखाया है, दैट इज इंटरेस्टिंग. और हनुमान का लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैं एकदम से याद आ गया मुझे, हनुमान का लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट नो वाई, ये सीजीआई में करना चाहिए था या ये प्रोस्थेटिक्स के साथ करना चाहिए था, बट हनुमान जी का चेहरा मंकी से रिजेम्बलेंस मिलता हुआ होना चाहिए. यहाँ पे जब वो नॉर्मल जो जो आई एम नॉट श्योर हु द एक्टर इज, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि कौन सा एक्टर जो प्ले कर रहा है, लेकिन जब वो नॉर्मल खड़ा हुआ है ना, जैसे वो सीन है जिसमें वो सीता से बात कर रहे हैं, तो सीता बात कर रही है और वो खड़े सुन रहे हैं जो हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उन्होंने साफ दिख रहा है उन्होंने मुंह फुलाया हुआ है अपना. ही इज लाइक ऐसे मुंह मुला कर, आई एम लाइक वाई, मुंह फुलाने की क्या जरूरत है उसमें यार. आई मीन ये जो आप लुक देने की कोशिश कर रहे हैं मुंह फुला के, वहां पे प्रोस्थेटिक्स की और सीजीआई वीएफएक्स, वहां आपको इन्वेस्ट करना था. मुंह फुलाने की जरूरत नहीं थी यार हनुमान जी जैसा दिखने के लिए. दैट इज मुझे नहीं पसंद आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट श्योर कि आप लोग उस चीज से एग्री करते हैं या नहीं. हो सकता है आई एम दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग दैट आई एम डूइंग. हो सकता है बहुत बैकलैश भी मिले मुझे इसके लिए, लेकिन आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट. ये थोड़ा और बेटर कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाया जा सकता था. दिस आई एम नॉट ओके विद दिस, मुझे नहीं पसंद आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट ठीक है, 16 जून को तो मूवीज कमिंग आउट, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. एंड ऑब्वियसली प्रभास हैं, शरद केलकर की आवाज़ से मैं बीच बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि शरद केलकर है या प्रभास की खुद, क्योंकि प्रभास खुद भी आई थिंक साहू में उन्होंने खुद हिंदी बोली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हो सकता है उनकी हो, लेकिन बीच बीच में पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी कभी लग रहा था प्रभास की है, फिर लग रहा था शरद केलकर की है. लेकिन बहुत ही, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए बहुत ही धाकड़ आवाज चाहिए, एंड शरद केलकर हैज द बेस्ट वॉइस. सो आई एम नॉट श्योर इसमें कौन आवाज दे रहा है, लेकिन भारीपन है आवाज में. इट लुक्स, इट साउंड्स रियली गुड. सो मजा आएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. एंड इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा इट्स अधिपुरुष, बट हर भारतीय का अधिपुरुष इस तरीके से कह रहे हैं, तो
ओके आई गेस सिर्फ आदि पुरुष भी अच्छा था वैसे, यू नो शॉर्ट सिंपल, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज. एंड 16 जून, सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. आप मुझे बताइए व्हाट आर योर थॉट्स, आप मुझसे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए. एंड ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को. अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं कुछ लोगों के साथ तो प्लीज डू डू दैट. एंड अगर आप ऐसी वीडियोज और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को. और मेरा एक दूसरा चैनल है जो एक गेमिंग चैनल है जिसपे मैं अलग अलग तरीके के गेम्स खेलता हूँ, गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और जो नए गेम्स आने वाले होते हैं उनके जो ट्रेलर्स या गेम प्ले होते हैं उनके वीडियो पर रिएक्शन वीडियो भी बनाता हूँ. वो सारे दूसरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, टू चेक इट आउट. अगला गेम जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है अनचार्टेड 2, और वो होगा PlayStation 5 पे. सो और वो फेस कैम के साथ होगा, मतलब आप मुझे भी देखेंगे वो गेम खेलते हुए. सो अगर आप इंटरेस्टेड है उस तरीके का गेम प्लेज वगैरह देखने के लिए तो उस चैनल को चेकआउट करिए. एंड इफ यू वांट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह वगैरह सारे सोशल मीडियाज पे, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. एंड दैट्स इट, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.